इस तरीके से ये बन चुका है, कॉलर अच्छे से फिट हो चुका है। ये यहाँ पे ऐसा आएगा। आज हम कंप्लीट इस ब्लाउज की स्टिचिंग सीखने वाले हैं और इसकी कटिंग पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा कि इसकी कटिंग कैसे की गई है। इसमें आप कंप्लीट और फिनिशिंग तरीके से स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैग में यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, अस्तर का अलग लगाएंगे और मेन पल्ले का अलग लगाएंगे। देखिए मैंने चारों पल्ला को अलग अलग डॉट लगा दिया है। अब हम प्रिंट की पार्ट बनाएंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गले की सिलाई जो है वो लगाकर पल्टी कर लेंगे, यानी यहाँ वाला जो भाग है ये गला का भाग है तो इसको हम पल्टी करेंगे। ऐसे कच्चा सिलाई लगाएंगे और उस साइड पल्टी कर देंगे। देखिए ऐसा सिलाई लगाने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे, उसके बाद ऐसा हम पक्का कर देंगे। ठीक है, ऐसा जो है दोनों पल्ला को पक्का कर देंगे, चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसा बनाने के बाद यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पे अगर आपने ज्यादा मार्जिंग नहीं लिया है तो एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा लगाकर इसको कवर कर दीजिए ताकि ये जो कच्चा है वो नहीं दिखे, या तो आप ओवरलॉक मार दीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए ऐसा बना लेना है ताकि यहाँ का जो खुचरा है वो बाहर ना निकले और फिनिशिंग अच्छा आए। अब आएगी इसकी बारी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, ऐसा थोड़ा सा राउंड शेप दे रहे हैं। अब दोनों पल्ले में जो अस्तर है वो और ये दोनों में अलग अलग हम डॉट लगा देंगे क्योंकि ये सिंगल डॉट का है और मैंने यहाँ पे होल गिरा लिया है, तो होल के हिसाब से आपको डॉट लगा लेना है ऐसा पकड़ के। देखिए मैं एक डॉट लगा कर दिखाता हूं आपको। देखिए इस तरीके से आपको डॉट लगाना है, अस्तर में अलग और मेन पल्ले में अलग। दोनों पल्ले में अलग अलग डॉट लगाने के बाद दोनों में क्या करना है आपको, ऐसा पकड़ना है। देखिए ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसा लेना है ए और ए पॉइंट, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा डॉट देना है आपको, इससे फिटिंग जो है अच्छे से बैठेगा, यानी एक दाब के बराबर। हाँ देखिए इस तरीके से, ठीक है ये ऐसा डॉट आएगा। डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पल्टी कर देंगे ऐसा रख के। देखिए ऐसा रखेंगे दोनों पल्ले को ऐसा, और एक का मार्जिंग इस साइड कर देंगे, एक का मार्जिंग इस साइड करके सिलाई लगाएंगे नीचे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम पहले इस पे एक सिलाई लगा देते हैं। आप चाहे तो इसे बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। इसमें हम कप्स रख देंगे, कप्स रख के और पिंस लगा देंगे। देखिए इस तरीके से कितना साफ सुथरा लग रहा है, दिख रहा है आपको। अभी का लुक कुछ इस तरीके का है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर ये और पूरा सिलाई लगा देंगे ऐसा, कप्स लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पैपिंग लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। आप कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हैं और सेम कलर का भी लगा सकते हैं। मैंने दो पट्टी सेम कलर का लिया है और यही लगाने वाला हूं दोनों साइड। कैसे लगाते हैं वो देखिएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे। ये ऑरेब काटा हुआ है याद रखिएगा। हम इसको ऐसा सीधा कर देंगे ऐसा करके और ऐसा। देखिए इस तरीके से इतना चौड़ा हम पैपिंग लगा देंगे। आप यहाँ पे कोट डोरी भी लगा सकते हैं। देखिए अब कुछ इस तरीके से दिखेगा ये पैपिंग लगाने के बाद, ऐसा फिनिशिंग करना है आपको पैपिंग लगाकर। अब यहाँ पे योग वाला पल्ला लगाएंगे जो हमने कंट्रास्ट कलर का बनाया है ए वाला, इसको लगाना है। इसको कैसे लगाना है देखिए, ये यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, देखिए ऐसा। ठीक है ऐसा लगाना है इसको। मेन खेल जो है वो इसी का है और इसी को ऐसा लगाना है। यहाँ से इसको बराबर करना है इस साइड से और फिर लगा देना है। कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पैपिंग ऐसा ना दिखे तो इस पे आप एक बार सिलाई लगा सकते हैं। और इस साइड का भी अब सेम उसी तरीके से लगा देंगे। देखिए अभी तक हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके से दिखने वाला है।
ऐसा फिनिशिंग जबरदस्त आ रही है और इसी तरीके की फिनिशिंग की जरूरत भी होती है। बैक की पार्ट हम इस तरीके से अटैच करेंगे, ये जो है ये गला वाला भाग है इसको ऐसा रखेंगे, इसको उल्टा रख देंगे और यहाँ पे ऐसा प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। उसका आधा मस्तर ले लेंगे इसी साइड वाला और इसको भी हम ऐसा रख देंगे, ओके। और यहां पे हम शोल्डर में सिलाई लगा देंगे और यहां आएंगे पॉइंट पे और यहां पे इसको अंदर करके देखिए ऐसा, और ये वाला जो भाग है इसको हम ऐसा सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप कोट डोरी पैपिंग भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और राउंडिंग पे हम कट लगा देंगे छोटा छोटा ताकि हमारा राउंड जो है शेप अच्छे से जाए। अब ये हो गया, दूसरे साइड का भी सेम इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे और इसको पलटी कर देंगे ऐसा, देखिए अब देखिए यहाँ पे शोल्डर की फिनिशिंग देखिए कैसा आया, ठीक है। दोनों को ऐसा आएगा, अब इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए यहां तक शोल्डर ज्वाइंट हो गया, अब हम क्या करेंगे इसको ऐसा घुमाकर ऐसा और देखेंगे ये परफेक्ट आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा देते हैं ये वाला जगह, अब हम इसको ऐसा करके देखेंगे कि ये हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये शोल्डर जो है इस साइड गिरेगा ही, याद रखिएगा। इसको अटैच करने के बाद हम नीचे की भाग जो है ये वाला उसको पक्का करेंगे। इसको पक्का करने के लिए क्या करना है, ये देखिए ऐसा है, इसको सीधा ऐसे कर देना है ऐसे और सिलाई लगा देना है। ये हो गया, अब इसको ऐसा हम खींच देंगे, ये चला गया अंदर, ठीक है। अब इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे, लगभग यहां तक तैयार हो चुका है। अब हम कॉलर बनाते हैं, ये है हमारा कॉलर, देखिए एक अस्तर और एक मेन पल्ला। अब ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे ऐसा मोड़ लेंगे बाहर की भाग, देखिए इस तरीके से मोड़ लिया मैंने और ऐसा सेंटर भी बना लेंगे हम, या सेंटर बाद में बनाएंगे। ये हमारा अटैच कहाँ होगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे अटैच करने वाले हैं हम, ओके इस तरीके से। तो हम इसको बनाएंगे, बनाने में कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा रख देंगे चारों साइड से मार्जिंग देखकर और यहां से ऐसा सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। फ्यूजिंग की लंबाई थोड़ा सा बड़ा कटिंग कीजिएगा क्योंकि प्रेस लगाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो गया, अब हम मार्जिन को है एक बराबर कर लेंगे, देखिए अब इसको हम ऐसा इसको ऐसा। अब यहाँ पे कम मार्जिन के साथ इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे हम। अब इसको ऐसा नाखून डालकर ऐसा पलटी कर देंगे। अब यहाँ पे किनारी की सिलाई जो है हम लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पे इसको जो है ऐसा हम सेंटर करके कट लगा देंगे। हालांकि इसे और आसान तरीके से बनाया जा सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया, तो अब क्या करेंगे देख लीजिए,
समझिएगा ध्यान से, थोड़ा और आसान हो सकता था कॉलर बनाना, लेकिन मैंने उसको नहीं कर पाया। इसको ऐसा रखकर ऐसा ऐसा देख लेना है कि परफेक्ट है कि नहीं राउंड शेप, और यहाँ पे निशान लगा देंगे हम यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसको खोल देंगे, निशान लगा दिया मैंने। अब इसको हमें पैक करना पड़ेगा। अब क्या करना है कि इसको भी जो है हम मोड़ लेंगे, ये वाला जो भाग है इसको भी मोड़ लेंगे। ऐसे इससे और आसान किया जा सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो अभी पहले हम इसको मोड़ लेंगे ऐसा करके, ठीक है। कितना मोड़ना है, जितना ए है उतना ही इसको भी मोड़ लेना है। देखिए इतना बनाने के बाद हम इसका सेंटर निकाल लेंगे ऐसा करके, ठीक है। ये सेंटर निकालना जरूरी है, नहीं तो फिर ये परफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसा चौक से निशान लगा लेंगे, ये सेंटर हमारा निकल गया। अब हम ले लेंगे ये पल्ला जो हमारा बॉडी है, इसको रखेंगे उल्टा, और इसका सेंटर हमारा ए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले कच्चा करेंगे, देखिए ऐसा, ओके। ऐसा रखकर इसको हम यहां से यहां तक अच्छे से बैठा के कच्चा करेंगे ऐसा। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसको हम सीधा कर देंगे और बस यहां से शुरू करेंगे। देखिए यहां से शुरू करेंगे, पूरा राउंड में सिलाई दोहरा देंगे। इस तरीके से ये बन चुका है कॉलर, अच्छे से फिट हो चुका है। ये यहाँ पे ऐसा आएगा, मैं इसको पहनाकर भी दिखाऊंगा कि कितना फिट आता है या नहीं आता है, परफेक्ट आता है या नहीं आता है। तो जो मेन चीज था वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं स्लीव्स अटैच करके और साइड सिलाई लगाकर डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ फाइनल कि कैसा पीस दिख रहा है और फिटिंग इसका कैसा है। देखिए ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है और इसकी फिनिशिंग और फिटिंग देखिए कि कितनी जबरदस्त फिनिशिंग है और कितनी जबरदस्त फिटिंग है। कहीं पे भी झोल झाल फुगा वुगा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रेस्ट पे देखिए, ब्रेस्ट पे एकदम साफ सुथरा बैठा है, एकदम फिनिशिंग बैठा है और चिकना बैठा है। दूसरा नंबर पे आप कॉलर देखिए, गला गला भी एकदम परफेक्ट अच्छे से बैठ गया है। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे आर्म होल पे झोल जो आता है वो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी झोल नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास है। और सबसे जो मेन पॉइंट है बैक की फिनिशिंग देखिए, बैक भी एकदम सुंदर तरीके से साफ सुथरा बैठा है। और जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम आता है ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे बाहर की साइड फेंक देता है, तो वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं, एकदम साफ सुथरा एकदम फिनिशिंग बना है। और फिटिंग भी जबरदस्त है क्योंकि जो कटिंग मैंने बताया था वो इसी डम्मी के माप के था और वही कटिंग में स्टिचिंग करके इसमें पहनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ है वो चीज समझिए। मिस्टेक ये हुआ है कि कॉलर थोड़ा सा छोटा हो गया है, या तो ए वाले जो है इसको लंबाई आधा इंच बढ़ा देते हैं हम, या तो कॉलर जो है यहाँ पे वो आधा इंच बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो अच्छे से ये परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी कॉलर बैठने का तरीका, फिनिशिंग और फिटिंग वो सब जबरदस्त है, अच्छा है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी ब्लाउज परफेक्ट फिनिशिंग और फिटिंग भी बैठेगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, हम मैं नहीं कहता हूँ कि सब ब्लाउज बनाइए, लेकिन एक आध ब्लाउज इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए, आपको भी जजमेंट मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और ब्लाउज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।